हेलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे नारियल की बहुत ही टेस्टी बर्फी। और इसको हम सिर्फ तीन चीज़ों से बनाकर तैयार करेंगे। इसको बनाना बहुत आसान है। तो देखिए फ्रेंड, ये मिठाई देखने में जितनी टेस्टी लग रही है, खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई को गैस पे रख लिया है, गैस ऑन कर दी है हमने। और इसमें हमने 2 कप दूध ले लिया है। तो दूध को हम अच्छे से बॉईल होने देंगे। यहाँ पर हमने कच्चा दूध ले लिया है। आप चाहें तो बॉइल दूध है आपके पास, वो भी ले सकते हैं। दूध अच्छे से बॉईल हो गया है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दूध अच्छे से बॉईल होने लगा है और गैस को हमने मीडियम कर दिया है। अब इसको इस तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे और दूध को हमें अच्छे से पकाना है। जब तक इसकी रबड़ी नहीं बन जाती तब तक हम इसको पका लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर दूध पकते हुए आधा हो गया है। हमने 2 कप दूध लिया था और ये 1 कप दूध रह गया है। और अब इसमें हम चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने आधा कप चीनी ली है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर हमें दूध को कंटिन्यू चलाते हुए पकाना है, जिससे कि दूध तले में लगे ना। तो यहाँ पर फ्रेंड, हम इसमें अब नारियल का बुरादा डाल देंगे। तो ये हमने 1 कप नारियल का बुरादा ले लिया है। जो सूखा नारियल का बुरादा आता है वो यहाँ पर हमने ले लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर जो सूखे नारियल होते हैं वो भी ले सकते हैं। उसको अच्छे से ग्रेट कर लीजिए, तब आप उससे बना सकते हैं। तो फ्रेंड, हमने जिस कप से नारियल का बुरादा लिया था 1 कप, उसी कप से हमने आधा कप चीनी का यूज़ किया है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है, चीनी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसी के साथ हमने यहाँ पर 1/4 चम्मच हरी इलायची का पाउडर डाल दिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसको हम लो गैस पे अच्छे से पकने देंगे, जब तक इसमें जो दूध है वो सूख नहीं जाता। तो यहाँ पर देखिए, हमने 1 चम्मच घी ले लिया है। ये देसी घी लिया है हमने। आप चाहें तो घी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन घी डालने से इसमें टेस्ट अच्छा आता है। अब इसी तरीके से इसको चलाते हुए हम पका लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर नारियल ने जो है दूध अच्छे से सोख लिया है। और अभी हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए और पकने देंगे। ये देखिए, इस तरीके से इकट्ठा होने लगा है ये। तो अब इसको निकाल कर हम एक प्लेट में रख लेंगे। प्लेट में अच्छे से घी लगा लिया है हमने, 1 चम्मच घी लिया था। और अब इसको हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से चम्मच से हम इसको सेट कर देंगे। सेट कर दिया है बर्फ़ी बनाने के लिए, 1 से 2 घंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई है। और इस पर हमने बादाम को कट कर कर लगा दिया है। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट इस पर लगा सकते हैं। तो अब इसको हम कट कर लेंगे। तो हम इसको चकोर साइज में कट कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको डायमंड शेप में भी कट कर सकते हैं।
तो ये देखिए हमने अच्छे से इसको कट कर लिया है। तो चलिए इसके पीस निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितनी आसानी से बर्फ़ी जो है प्लेट से निकल रही है। इसी तरीके से हम सारे पीसेस निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। एक पीस और निकाल लेंगे हम। ये देखिए कितनी टेस्टी ये बर्फ़ी बनी है और एकदम सॉफ्ट है ये। तो इसी तरीके से हम सारे पीस निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे। सारे बर्फ़ी के पीस को निकाल कर एक प्लेट में रख लिया है। और फ्रेंड ये कितनी टेस्टी लग रही है मिठाई देखने में, बहुत टेस्टी लगती है ये खाने में भी। और इसको बनाना एकदम आसान है। तो इस बर्फ़ी को बनाइए और खाइए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।